शाहरुख खान ने इस तरह किया देश के वीर सपूत का अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत पूरा देश कर रहा है। पाकिस्तान के जंगी विमान F-16 को मार्च गिराने वाले अभिनंदन की वीरता की चर्चा हर तरफ हो रही है। अभिनंदन ने मिगी किस से F-16 का पीछा किया और उसे मार्च गिराया। अभिनंदन के मिगी किस पर F-16 विमान का मलबा गिरा और उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। देश के वीर सपूत अभिनंदन ने पाकिस्तान में भी भारत माता की जय के नारे लगाए। वहां उन्होंने देश से जुड़े दस्तावेज छुपाने की पुरजोर कोशिश की। एक हीरो की तरह अभिनंदन पाकिस्तान पहुंचे और रियल हीरो की तरह उनकी वापसी हो रही है। आपको बता दें, बॉलीवुड के सितारे भी भारत के शेर अभिनंदन का वेलकम कर रहे हैं। शाहरुख खान ने अभिनंदन के भारत आने से पहले सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीर शेयर करते हुए उनका स्वागत किया है। शाहरुख खान ने लिखा है, घर वापसी से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। घर वो जगह है जहां आपको प्यार, उम्मीद और सपने मिलते हैं। आपकी बहादुरी हमें मजबूत बनाती है। आप महान हो। शाहरुख खान यूं तो देश के आइकन है, लेकिन बॉलीवुड के बादशाह ने अभिनंदन को अपना आइकन माना है। अभिनंदन के लिए सोशल मीडिया पर सम्मान जता रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन पर जो कुछ भी बीता अपने फिल्मी जिंदगी में, शाहरुख ने भी इस चीज को जिया है। साल 2004 में रिलीज हुई थी फिल्म वीर जारा। इस फिल्म में किंग खान ने एयरफोर्स ऑफिसर की वर्दी पहनी थी। शाहरुख खान ने फिल्म वीर जारा में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप का किरदार निभाया था। अभिनंदन की तरह वो भी पाकिस्तान के बंदी थे। वीर प्रताप एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में था और उससे मिलने के लिए जब पाकिस्तान जाता है तब उसे साजिश कर बंदी बना लिया जाता है। फिल्म में वो करीब 21 सालों तक पाकिस्तान के जेल में रहे। एक वकील के माध्यम से उन्हें पाकिस्तान के जेल से आजादी मिली थी और वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें भारत लाया गया था। फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया गया जैसा अभिनंदन की भारत वापसी पर हो रहा है।